हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राइस की रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है नवरत्न पुलाव। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगती है। फटाफट से ये बनके तैयार हो जाएगा। बस जो इसमें चीज़ें हैं वो आपको इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो चलिए फिर अब देर नहीं करते और फटाफट से देख लेते हैं कि ये हमने बनाना कैसे है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चावल बनाने से। तो यहाँ पे हमें चावलों को अलग से पकाना है पहले, उसको हम सब्जियों के साथ नहीं पकाएंगे। नवरत्न पुलाव में ये साथ में नहीं पकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इस तरीके के बड़े से पतीले में चावल बनाने लगी हूँ। उसमें मैंने खुला पानी ले लिया है, तो आप भी अगर पतीले में बनाएं तो इस तरीके से खुला पानी ले लें। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अगर कुकर में भी चावल बना रहे हैं ना सीटी लगा के, तो भी आप उसमें नमक और घी ज़रूर डालिएगा। मैं यहाँ खुले में बना रही हूँ तो भी मैंने इसमें नमक डाला है। नमक के साथ साथ इसमें मैं थोड़ा सा घी भी डाल दूँगी। इसके बाद हम वेट करेंगे जब तक कि हमारा जो पानी है उसमें इस तरीके से उबाला नहीं आ जाता। जब इस तरीके से पानी में उबाल आने लगेगा तो उसके बाद इसमें हम चावल डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी चावल लिया है। इसको मैंने अच्छी तरीके से 2-3 पानी से धो लिया था और आधे घंटे के लिए इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। उसके बाद पानी जो था वो निकाल दिया है और अब ये चावल इस उबलते हुए पानी में हम डाल देंगे। सारे के सारे चावलों को इकट्ठा करके इस तरीके से पानी में डाल दीजिएगा और उसके बाद इसको हम हाई फ्लेम पे ही कुक होने देंगे। चावलों को हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, 90-95% कुक करना है यहाँ पे हमें। अब इसको हाई फ्लेम में बॉईल होते हुए करीब 4 मिनट हो गए हैं। तो जो आपके चावल हैं वो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, चावलों की कैसी वैरायटी है उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो मैं एक बार चावल को चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे जो मेरे चावल हैं वो तो करीब 95% हो गए हैं। तो बस अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जो थोड़ा 5% बचा है वो चावल आराम से जो उसकी भाप होती है उसी से पक जाएंगे। अब चावलों को या तो आप इस तरीके की किसी छन्नी से निकाल सकते हैं, ऐसे निकालें और दूसरे बर्तन में डाल लें, ठीक है, या फिर आप वो जो स्ट्रेनर वाली छन्नी आती है उससे पूरे चावलों को स्ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे वैसा करें। मैं तो डायरेक्टली इसके ऊपर एक प्लेट रखती हूँ और इसको डायरेक्ट सिंक में जाके इसको अच्छी तरीके से जो पानी होता है वो निकाल देती हूँ, ठीक है। अब चावल निकालने के बाद फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे एक हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैं अभी रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, करीब 1 बड़ा चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसमें मैं डालूँगी प्याज। प्याज मैंने एक ही लिया था मीडियम साइज़ का, जिसको इस तरीके से मैंने पतला और लंबा काटा है। तो यहाँ पे ये जो प्याज है इसको हमें फ्राई करना है, क्योंकि इसमें फ्राई जो प्याज होता है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हम बिल्कुल लास्ट में गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे, बट इसको सबसे पहले हम फ्राई करके साइड में रख लेंगे। इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिएगा। और अब आप देख सकते हैं कि प्याज जो हैं हमारे बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको अब हम किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकाल के इसको हम साइड में रख देंगे। इसके बाद उसी कढ़ाई में यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो इसके साथ आप अखरोट भी ले सकते हैं। अब इसमें मैं 1 चम्मच के करीब घी डालूंगी और घी में इसको रोस्ट करूँगी। किशमिश भी मैं यूज़ करूँगी, बट वो अभी नहीं, ये हल्के से ब्राउन हो जाए दोनों चीज़, उसके बाद लास्ट में इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। तो बस इसको भी आप इसी तरीके से चलाते रहिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको रोस्ट करने के लिए थोड़ा सा घी लिया था, बट अगर आपके पास घी नहीं हो या नहीं चाहते घी डालना तो यहाँ पे आप ऑयल का ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये जब थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो लास्ट में इसमें हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश डालने के बाद फिर आधा मिनट के करीब इसको इसी तरीके से चलाएँगे हम। और चलाने के बाद जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर ये तीनों ही चीज़ों को हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अब इसके बाद ये ही वाली कढ़ाई में हम जो पनीर है वो शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम के करीब पनीर लिया है। पनीर को इस तरीके से डाइस में हम काट लेंगे
और डाइस में काटने के बाद इसको दोनों ही तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक पका लेंगे। अब पनीर भी हमारा हो गया है तो पनीर को भी हम किसी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है, तो इसको दूसरी प्लेट में निकालने के बाद फिर इसी कढ़ाई में अब हम जो गोभी है उसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो गोभी को सारी सब्जियाँ जब बाद में कुक करेंगे तब भी कर सकते हैं, बट मुझे गोभी इस तरीके से शैलो फ्राई ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका टेस्ट ज़्यादा उभर के आता है गोभी का अगर आप ऐसे करें तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और घी भी डाल रही हूँ क्योंकि अब घी बिल्कुल भी नहीं है इसमें, तो हल्का सा घी डालूँगी और घी में ही इसको मैं हल्का सा कुक कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक भी ऐड कर देंगे और नमक डालने के बाद इसको इस तरीके से हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसको हम कुक कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको आप ढककर भी पका सकते हैं, बट मैंने इसको ढका नहीं है, मैंने इसको ऐसे ही पूरा टाइम कुक किया है। आप यहाँ गोभी का कलर देख पा रहे होंगे, ऊपर ब्राउन ब्राउन सा बहुत अच्छा आ गया है, ये ना बड़ी ऊपर से अच्छी क्रंची सी और बड़ी टेस्टी सी हो जाती है गोभी। तो आप चाहें तो ये तरीका अपनाएं, नहीं तो जैसे मैंने पहले बोला अभी जब मैं बाकी सारी सब्जियाँ कुक करूँगी चाहें तो उसके साथ भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अब गोभी को भी यहाँ पे मैं किसी दूसरी प्लेट में निकाल ले रही हूँ और गोभी निकालने के बाद अब ये जो कढ़ाई है इसमें मैं और थोड़ा सा घी डालूँगी क्योंकि अभी बहुत कम घी है इसमें, तो करीब 2 बड़े चम्मच यहाँ पे अब मैं घी डालूँगी क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा सब्जियाँ फ्राई होनी है, इसलिए 2 बड़े चम्मच घी। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे मेरे पास है थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, तेजपत्ता और जावित्री। यहाँ पे आप इसके सिवाय अगर आपके पास और कोई खड़े मसाले हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब पहले तो घी में इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले आलू। आलू को यहाँ पे मैंने इस तरीके का डाइस में छोटा छोटा काट के रखा है, तो पहले मैं आलू डालूंगी। आलू को करीब 2 मिनट कुक करूंगी हाई फ्लेम में, उसके बाद यहाँ पे मैं गाजर डालूंगी। आलू और गाजर को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा कुक होने में, तो पहले आलू को थोड़ा सा हम कर लेंगे। उसके बाद फिर जब आलू करीब 50-60% कुक हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर हम गाजर डालेंगे। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसको ढक करके भी पका सकते हैं, बट मैंने इसको ढका नहीं है, इसको ऐसे ही हाई फ्लेम में मैं लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। ठीक है, करीब 2 से 3 मिनट इसको हो गए हैं पकते हुए आलू को। आप जब पास से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आलू जो है उसके ऊपर ना आपको एक पतली सी कोटिंग दिखेगी। तो बस अब उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गाजर। गाजर डालने के बाद फिर से इसको हम एक बार चला लेंगे और इसको हम फिर से हाई फ्लेम में थोड़ी देर कुक होने देंगे। अब आप चाहें तो आलू और गाजर को जैसे मैंने पहले भी बोला ऊपर से ढक करके पका सकते हैं, बट मैं ढक नहीं रही हूँ क्योंकि अभी ऐसे ही सब्जियाँ मेरी पक रही हैं, तो बस इसको मैं हाई फ्लेम में ही 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी। इसके बाद फिर इसमें हम बीन्स ऐड करेंगे थोड़ी सी। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हो तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है, फ्रेश डालें, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बट अगर फ्रेश नहीं है तो जो मार्केट में जिंजर गार्लिक पेस्ट आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कहीं से भी हो पाए या आप कर पाएँ तो ताज़ा यूज़ करें। ताज़े का तो मतलब बहुत ही अच्छी खुशबू आती है ना ताज़े की। अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे एक एक करके हमने सारी सब्जियाँ ऐड की हैं क्योंकि आलू को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले आलू डाले, फिर गाजर डाले, फिर बीन्स डाली, तो ऐसे ही एक एक करके यहाँ पे हमें सब्जियाँ ऐड करनी हैं। अब यहाँ पे आधी कटोरी के करीब मैं मटर ऐड कर रही हूँ। ये फ्रोज़न मटर हैं इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड कर रही हूँ, बट अगर वो हरे मटर आप यूज़ कर रहे हो तो जिस टाइम पे आपने गाजर डाली है उसी के साथ आप यहाँ पे मटर भी डाल दीजिएगा अगर ताज़े वाले हैं तो।
फ्रोज़न वाले हैं तो फ्रोज़न वाले जैसे मैंने बाद में डाले तो आप ऐसे ही बाद में डालिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। यहाँ पर सारी जो कुकिंग है वो मैंने हाई फ्लेम पे ही की है, हाई फ्लेम पे सारी चीज़ें पकाई हैं। अब जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगी तो एक एक करके जो चीज़ें हमने अलग अलग शैलो फ्राई करके रखी थी, जैसे कि गोभी, पनीर और ड्राई फ्रूट्स, वो सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद एक बार अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हमने डाली इन्हीं सब का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब बस इन सबको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा नमक ऊपर से हम और डाल देंगे, क्योंकि हमने गोभी में अलग डाला था, बीन्स वगैरह में हमने अलग नमक डाला था, तो बट अब ये सभी चीज़ों को कंबाइन करके थोड़ा सा नमक हम ऊपर से और डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा नमक का यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ों में थोड़ा 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 करके हम डाल रहे हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नमक ज़्यादा ही ना हो जाए आपसे। अब इसके बाद जो हमने चावल पका के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। सारे चावल इकट्ठे नहीं डाल दीजिएगा, थोड़े थोड़े करके बैचेस में चावल डालिएगा, इससे इनको मिक्स करना आसान रहेगा और चावल टूटेंगे भी नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चावल आप साथ में डाल देते हैं ना, तो उसको मिक्स करने में कई बार चावल ही टूट जाते हैं, तो वो जो बढ़िया लंबा लंबा सा दाना आता है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको बैचेस में डालिएगा चावल को, और अच्छी तरीके से इसको बड़े हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। सो आई होप ये जो आज की रेसिपी है ये आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसे ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।